जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, लीव का कंडीशन कैसे अप्लाई करके हम स्टूडेंट का फेवर पास क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में जो है मैं आपको ये बताना हूँ कि इफ के साथ जो है एंड का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर कोई किसी सब्जेक्ट में कोई बंदा स्टूडेंट, अगर मतलब ये कि किसी सब्जेक्ट में एक लड़का कोई अपसे एक का लड़का फेल है, कम मार्क्स है उसने, पासिंग मार्क्स उसका नहीं है, तो उसको जो है लास्ट में जो भी टोटल मार्क्स है उसमें उनको फेल करना है, तो हम उसको कैसे करें, मतलब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हमको चेक करना है क्या कि हर एक सब्जेक्ट में वो लड़का पास है कि नहीं पास है। अगर पास नहीं है तो उसका जो है क्या हम करेंगे, फेल कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एक्सेल ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है एक्सेल ओपन कर लिया है। एक्सेल ओपन करने के बाद ये जो है पिछला बार जो हमने वीडियो में क्या देखा था, पहले पिछला बार क्या किया था, इफ का कंडीशन यूज करके, सिंपल इफ का कंडीशन यूज करके मार्क्स के जरिए जो हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया था कि अगर 300 से 325 से ज्यादा आपका लड़का का मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कंडीशन रखने वाले हैं कि अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में लड़का का पासिंग मार्क्स नहीं है तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, फेल रहेगा। यहाँ पे जो है हम लोग इफ के साथ एंड का कंडीशन यूज करने वाला, तो इसके लिए टाइपिंग इफ स्लैश एंड लिख देते हैं ताकि क्लियर है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं। बाकी फॉर्मूला यूज करने से पहले सबसे पहले हम क्या देते हैं, उसको इक्वल टू का सिंबल देते हैं, फिर इफ लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट देंगे, उसके अंदर एंड लिखेंगे, फिर ओपन ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे जो है हम हर एक सेल का एड्रेस देंगे जहाँ से हम अपना डाटा को चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ से सी का एड्रेस लेता हूँ, C2 is greater than or equal to 35। मैंने जो है यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स रखा है 35 रखते हैं। अगर 30 से किसी स्टूडेंट का पासिंग मार्क्स कम रहता है, नंबर कम रहता है हर एक किसी सब्जेक्ट में, तो वो लड़का क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मैंने जो यहाँ पे C2 greater than or equal to 30 रखा है, अगर 30 से बराबर है या 30 के ज़्यादा नहीं है तो वो लड़का क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल इंपॉर्टेंट कॉमन में क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे सेल का एड्रेस देंगे, यहाँ पे दूसरा क्या लिखेंगे, D2 के बाद ग्रेटर देन या इक्वल टू 35 कॉमा D2 के बाद क्या है, E2। जैसे जैसे हम सेल का एड्रेस देते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि सेल का एड्रेस जो है हाईलाइट होते जा रहा है, जहाँ पे सेल का एड्रेस जो नाम है वो क्या होते जा रहा है, हाईलाइट होते जा रहा है, ठीक है। और F2 यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 35, फिर क्या आ जाएगा, कॉमा देना नहीं भूलना है, नहीं तो फिर मैंने बताएंगे कि कॉमा अगर भूल गए तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो है तो क्या हो जाएगा, कॉमा में चला जाएगा। तो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, F35 G2 greater than equal to 35 कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू 35। मैंने जो है पूरा सेल का एड्रेस दे दिया है, फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे हमको कंडीशन क्या रखना है कि अगर ये फेल इतने नंबर से कम हुआ, ठीक है, जो भी कंडीशन हर एक सेल में क्या रखा है, हर एक सेल का एक फिक्स मार्क्स रखा है, पासिंग मार्क्स रखा है। देखो मेरा यहाँ पे गलती क्या है, मैंने जो है एक बार 35 लिखा और उसके बाद सारा का सारा क्या लिखा, मैंने एक बार 30 लिखा उसके बाद सारा का सारा 35 लिखा है, तो मैं जो है इसको 35 ही कर देता हूँ, मतलब हर एक सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स क्या है, 35 है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा गलती होती रहती है, क्लियर करना। यहाँ पे जो है कॉमा लिए, फिर यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में क्या लिखे थे, कंडीशन कि अगर किसी लड़के का या किसी सब्जेक्ट में 35 से अगर नंबर कम है तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। पास हो जाएगा, अगर ज्यादा है तो, अगर कम है तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन रखेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा में, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, यहाँ पे क्लोज करेंगे। देखो ये सारा फॉर्मूला क्या, हर एक सेल का सेपरेट सेपरेट लिखे हैं, हर एक सेल C2 का ग्रेटर देन या 35, 35 से या 35 से ज़्यादा अगर रहता है तो वो लड़का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से D2 का सेल लिए हैं, E2 का सेल लिए हैं, मतलब जहाँ तक आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है
हर एक सेल का उसका हम एड्रेस लिखेंगे और वहाँ पे पासिंग वैल्यू पुट करेंगे। लास्ट में क्या कंडीशन रखेंगे कि अगर 35 से ज़्यादा है या 35 के बराबर है तो उसको हम पास करेंगे, अगर इससे कम है तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। डबल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। पहले नंबर पे क्या था, ये पहले वाला में किसी भी सब्जेक्ट में क्या है, इसका कोई भी 35 नंबर से कम नहीं, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये पास हो गया। जिसके ऊपर हम जाके डबल क्लिक करते हैं, जैसे देखो क्या रिजल्ट आता है, कोई फेल तो आएगा नहीं। देखो फेल में क्या है, सेकेंड तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट में देखो, देखो एक यहाँ पे क्या आया है, 34 आया, एक सब्जेक्ट में क्या है इसका 34 आया, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक उसी तरीके से इसके नीचे भी देखो, एक सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या आया, 23 आया है, 34 यहाँ पे भी आया, जिसकी वजह से इसको क्या कर दिया है, फेल कर दिया। फिर यहाँ पे देखो पासिंग मार्क्स में इसके सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में 35 से कम नहीं आया है, देख सकते हो, जिसकी वजह से क्या हो गया, पास हो गया। फॉर्मूला सही तरीके से क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। समझने का कोशिश करना, जब तक इसका प्रैक्टिकल नहीं करो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सही तरीके से थोड़ा सा क्लियर करके देखो, जैसे मैंने पहले भी गलती किया, 30 बोला और 35 लिख, ये चीज़ को क्लियर करते रहना है कि मैं वहाँ पे क्या हम लिख रहे हैं, कौन सा सेल का एड्रेस दे रहे हैं। जैसे जैसे सेल का एड्रेस देते जाओगे वैसे वैसे आपका सेल क्या होता जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, यहाँ पे कॉमा को सही तरीके से यहाँ पे फिट करना है, ठीक है, तभी जो है आपका सेल या फॉर्मूला जो है आपका सही तरीके से अप्लाई हो पाएगा, ठीक है। इस वीडियो में, हर एक वीडियो में मैं सेपरेट सेपरेट बता रहा हूँ ताकि जो आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा एक वीडियो को एक्सप्लेन करने में, टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन नहीं लेने का, धीरे धीरे आप सही आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। धीरे धीरे आप सही तरीके से सारे फॉर्मूला को आसानी से समझ पाओगे, आसानी से अप्लाई कर पाओगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के